रविंद्रनाथ मुखर्जी, मुखर्जी साहब। जी कहिए। आपके लिए पार्सल आया। पार्सल कहाँ से? कलकत्ते से, कोई मिरर आए हैं। दादा यहाँ पे साइन कर दीजिए। भेज रही हूं, इसकी अंगूठी बनवाकर पहन लेना। जेपी रे, बाबू किससे मिलना है? जेपी रे साहब, मेरा मतलब बैरिस्टर साहब से। सौब? सौब तो घर में नहीं है। कहाँ गए हैं? कब तक आ जाएंगे? दूर शहर गए हैं, एक तो सेडिशन केस है। तुम नहीं समझेगा बॉस, इतना जान लो साहब के आने में 8 दिन भी लग सकता है और 15 दिन भी लग सकता है। अच्छा अच्छा, तुमको काम क्या है बताओ, हमको बताओ। यहाँ एक बच्ची को पढ़ाने के लिए ट्यूटर चाहिए, अखबार में पढ़ा था। ओहो, छोटा दीदी मौनी की मौसी के लिए? फिर रुकिए। पर आप तो कह रहे थे कि साहब घर पे नहीं है। साहब नहीं है ना, पर मास्टर ठीक करना बॉडी दीदी मौनी के हाथ में है। आइए अंदर चलिए, हम खबर देते हैं। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, छोटी दीदी का उम्र 11-12 से ज्यादा नहीं है। कभी उन्हें गलती से बच्चिया मुन्नी मत कहिएगा, मुसीबत हो जाएगा, समझे? ट्यूशन के लिए आए हैं? जी जी हाँ। बैठिए। ग्रेजुएट? जी।
इसी बार बीए किया है। जी हाँ। दरअसल हम लोगों को एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जरूरत है। अखबार में स्पेसिफिकली लिखा भी था। आपको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा ना? बीए करने के साथ साथ कुछ ट्यूशंस करता रहा हूँ, फिर एग्जाम्स के बाद भी। पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन भी करते रहे, क्यों? गुजारे के लिए, कॉलेज की फीस जुटाने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं था। वैसे मेरा पढ़ाने के लिए कोई ज्यादा अनुभव नहीं है, मुझे इजाजत है? आप अभी तक खड़े क्यों हैं? बैठिए। सच बात तो यह है कि मैं खुद भी नहीं जानती कि ट्यूशन के लिए कैसा टीचर होता है, इसीलिए मैं आपको हाँ कह देती हूँ। थैंक यू। बात अभी पूरी तय नहीं हुई है, हमें होम ट्यूटर की जरूरत है, यानी आपको यहीं रहना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, एक कमरा किराए पर ले रखा था, उसे छोड़ना मुश्किल नहीं है। तरु, मेरी छोटी बहन, उसे शाम को पढ़ाना होगा, लेकिन उससे पहले वो घूमने जाती है, ड्राइवर उसे ले जाता है, अब आपको भी उसके साथ जाना होगा। और कुछ नहीं, मंजूर है तो कहिए। जी मुझे मंजूर है। तो फीस कितनी? जो आप लोग सुविधा से देना चाहें। आप हमारी सुविधा के लिए इतने दूर से आए हैं? जी वो घबराइए मत, दुविधा में मत रहिए। आपको तो मालूम होगा ये बैरिस्टर की कोठी है, पापा फीस तय किए बिना मुवक्किल के कागज भी नहीं छूते। प्यारे दोस्त अनिल, मुझे नई नौकरी मिल गई है बैरिस्टर साहब के यहाँ। नौकरी क्या समझो, आराम है। अब मैं एमए की पढ़ाई आराम से कर सकता हूँ। बस 2 घंटे पढ़ाना होता है और शाम को 1-1.5 घंटे के लिए तरु के साथ घूमने जाना पड़ता है, बस। बैरिस्टर साहब तो बाहर गए हुए हैं, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। तरु की माँ से भी मुलाकात नहीं हुई, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, शायद डिप्रेशन है। भाभी को नमस्कार, मुन्ना को प्यार, शेष मिलने पर तुम्हारा शैलू। आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ बैठो। नहीं यहां बैठो, आओ इधर। बेटा तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हारी स्टूडेंट की माँ हूँ। कई दिनों से सोच रही थी कि तुम्हें बुलाऊं, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जानते हो मीरा क्या कह रही थी तुम्हारे बारे में? वो कह रही थी कि तरु का मास्टर जरूरत से ज्यादा सीधा शर्मीला है, वो तरु को क्या पढ़ाएगा, तरु खुद ही उसकी मास्टरी कर देगी। मैंने पूछा कि फिर तुम लोगों ने उसे रखा ही क्यों, तो कहने लगी कि जब तरु उसे परेशान करेगी तो मैं मजे से बैठकर देखूंगी। बहुत दुष्ट है मीरा, कभी कभी तो उसकी बातें समझ ही में नहीं आती। लेकिन तुम इस बात को गंभीरता से मत लेना। जी नहीं, वैसे मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, अगर तरु मुझे थोड़ा बहुत परेशान भी करेगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। अब चलूं, तरु किताबें लेकर बैठी होगी। तुम भोले तो हो ही, साथ में भुलक्कड़ भी हो। अब तरु कहाँ मिलेगी तुम्हें? वो दोनों बहनें आज पार्टी में गई हैं। ओ हाँ, मीरा जी ने मुझे कल ही बता दिया था। तभी तो कहती हूँ, लो चाय पियो। लो लो। नहीं बेटा, मुझे एसिडिटी की शिकायत है। तो कैसी चल रही है तुम्हारी स्टूडेंट की पढ़ाई? जी ये तो मैं कुछ दिनों बाद ही बता सकूंगा। कुछ दिन बाद भी बताना मुश्किल ही है।
जी मैं समझा नहीं, मुश्किल क्यों होगा? अब इतनी छोटी सी उम्र में एक साथ दो दो नावों पर सवार किया जा रहा है बच्ची को। मीरा और उसके पापा ने सोचा है कि पूरब और पश्चिम का जो कुछ भी अच्छा है चुन चुन कर उस पर लाद दिया जाए। ये कोई बात हुई भला? आप इससे सहमत नहीं है? बात मेरी नहीं है बेटा, बात तरु की है। एक तरफ उसे कन्या पाठशाला भेजा जाता है, संगीत की शिक्षा दी जाती है, अपनी संस्कृति सिखाई जाती है। दूसरी तरफ उसे कॉन्वेंट स्कूल में जाना पड़ता है, अंग्रेजी सभ्यता के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं, ताकि कल को अगर वो इंग्लैंड या अमेरिका जाए तो वहाँ के माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। अब इस तरह दोहरे बोझ को वो छोटी सी बच्ची कैसे उठा पाएगी? एक साथ कोई दो रास्तों पर चल सकता है भला? आपकी इस बारे में क्या राय है? तुमने पढ़ा होगा, किसी ने कहा है कि ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर ट्विन शैल मीट। मेरी भी यही राय है, पूरब और पश्चिम कभी एक नहीं हो सकते। बाहर जाकर हम जीते नहीं हैं, बल्कि आत्महत्या करते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं। एक बार मेरा इकलौता बेटा बाहर गया तो वही कहो कर रही है, लौट कर नहीं आया। घर से उसे कोई मतलब ही नहीं रहा। सुना है कि बुरी आदतों का शिकार हो गया है वो, और अब ये लोग मेरी छोटी बेटी। ठीक है, चारों सवाल ठीक हैं। शाबाश। पापा आ गए। तुम पढ़ाई में ध्यान दो, लाओ अपनी किताब दो। तो कल हमने कहाँ छोड़ा था? यहाँ। नमस्कार शाह। नमस्कार, ऐसे करो गाड़ी में से सारा सामान दे। महिमंडल में सुंदरतम ये भारतवर्ष हमारा है, हम कोकिले इस उपवन की, ये उद्यान हमारा है। शाबाश। अरे आप आइए। आपकी स्टूडेंट की पढ़ाई देखने आई हूँ। अच्छी बात है, देखना ही चाहिए। ट्यूटर पर इतना पैसा खर्च करने का फायदा हो रहा है या नहीं? इतना विश्वास तो आप पर है मुझे। दरअसल मिस्टर मुखर्जी, तरु बहुत ही चंचल और लापरवाह है, इसीलिए कुछ सोच समझकर ही आपको रखा है। फिर तो मुझे आपकी पारखी नजर की दाद देनी होगी मीरा जी। खैर छोड़िए, ये बताइए ये पढ़ाई में कैसी है? आपको ज्यादा दिमाग तो नहीं खपाना पड़ता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आज आप खुद ही देख लीजिए। हाँ तरु, इस कविता में कवि ने क्या कहा है बताइए। इस कविता में कवि ने हमारे देश का गुणगान किया है। शाबाश। जी जी मोने। क्या बात है? आपको शौक याद कर रहे हैं। आते हैं। गो अहेड तरु। पढ़ो तरु। मास्टर साहब मुझसे एक गलती हो गई, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे बाबा नहीं होऊंगा, बताओ क्या बात है? मैंने चुपके से आपकी दो कविताएं मीरा दीदी को दे दी और उन्होंने अपनी कॉपी में उतार ली। मेरी कविताएं तुम्हारी दीदी ने अपनी कॉपी में लिख ली? मास्टर साहब एक और बात बताऊं, मीरा दीदी मैगजीन्स ला लाकर उनमें आपकी कविताएं ढूंढ ढूंढ कर पढ़ती हैं। सचमुच?
पर क्यों करती हैं तुम्हारी दीदी ये सब? मास्टर साहब, इसलिए क्योंकि मीरा दीदी को कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं और आपकी कविताएं और भी अच्छी। शलेन, तुमने बिल्कुल बुजुर्गों वाली बात कर दी। मीरा ने तुम्हारे बारे में चिट्ठी में बिल्कुल ठीक लिखा था, यू आर टू ग्रे फॉर योर एज। उसने तुमको बिल्कुल करेक्टली जज किया। शलेन, मीरा बहुत इंटेलिजेंट है। सर, जरूर आप पर ही गई होंगी। नहीं, मुझ पर इतना नहीं, अपनी मां पर ज्यादा गई है। शलेन, तुमने उसकी मां को कॉलेज के जमाने में देखा होता, डिबेट्स, स्टडीज, टेनिस, हर चीज में आगे, कॉलेज में हमेशा फर्स्ट। मैं उन दिनों लंदन में पढ़ता था। मेरा प्लान था कि अपर्णा को शादी के बाद वहां बुला लूंगा और उसे कैम्ब्रिज में एडमिशन दिलवा दूंगा और हम फुल फ्लेज्ड साहब बनकर लंदन से लौटेंगे। लेकिन मेरी वो सबसे बड़ी गलती, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मिसेज राय इंग्लैंड नहीं गई? नहीं, इतना ही नहीं, वो तो मेरा वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना ज्यादा झुकाव देखकर इस बात के खिलाफ ही हो गई थी। और मेरी तरफ देखो, अपर्णा के मामले में सक्सेस नहीं मिली तो अपनी सारी विशेष बेटे पर लाद दी और अब तरु पर जोर आजमा रहा हूं। मेरी इस वेस्टर्न थिंकिंग की वजह से मेरी बीवी की जिंदगी बर्बाद हो गई। यस, आई मस्ट एडमिट इट, मैंने उसे बीमार कर दिया। अगर इजाजत दे तो एक बात कहूं? हाँ, यस बोलो। अगर तरु को बाहर ना भेजें तो शायद मिसेज राय को कुछ आराम मिलेगा। सोचेंगे, इस बारे में किस दिन फुर्सत से बैठकर बात करेंगे। थैंक यू। अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुमने एमए ज्वाइन कर लिया? जी। गुड गुड गुड। शलेन, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अब्रॉड जाकर डिग्री लेके आओ? यू नो, विदेश की डिग्री के अपने एक मायने। एनीवे यंग मैन, गिव इट अ थॉट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। आई जस्ट जॉइन। हाँ जी, एंजॉइंग रिहर्सल। खाना खा के जाइएगा। कैसे हो बेटे? हाँ जी, क्या हो रहा है? हेलो हेलो। अरे सैगल साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार भाभी। मैं तो सोच रहा था आप आएंगे ही नहीं, ये समझे कि सिर्फ टी पार्टी। अरे साहब, टी पार्टी सही, आप बुलाएं और हम ना। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। आइए सर, प्लीज कम। अरे अरे मुखर्जी साहब, नमस्कार 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 जी, नमस्कार। प्लीज कम, आइए आइए, प्लीज इधर से। तरु, तुम जाकर वहां खेलो। अच्छा किया सौरमा तुम आ गई, माँ तो मुझे डांट रही थी कि तुमने सौरमा को कार्ड क्यों नहीं भेजा। घर की पार्टी है, मैं तो बिना कार्ड के भी चली आती। माँ, लो आ गई तुम्हारी सौरमा। आ गई विद्या, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या चीज? आप खुद ही देख लीजिए, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, तुम शैलेन से मिली? नहीं। ये देखो, ये शैलेन है, तरु के नए ट्यूटर। हाँ नमस्ते। और शैलेन ये है सौरमा। इतनी सुंदर लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। काकी माँ को तो वैसे ही झूठी तारीफ करना अच्छा लगता है, आप ध्यान मत दीजिए। जरूर दूंगा, तारीफ लायक इंसान की तारीफ सुनना मुझे बहुत पसंद है। माँ,
मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। शैलेन, मिस्टर क्या नाम बताया था? शैलेन, शैलेन मुखर्जी। ओह यस, मिस्टर शैलेन मुखर्जी, माफ कीजिए मैं आपका नाम भूल गया। पर मैं आपका नाम नहीं भूला निशित साहब, पूरा परिचय आपका मीरा जी ने अभी दिया नहीं। वैसे तो काफी अरसे से मेरा इस घर में आना जाना है, पर पिछले दिनों मैं ग्लासगो में था इसलिए आना नहीं हुआ। अरे आप लोग सब यहाँ खड़े हैं? हाय, नमस्ते। निशित, तुम्हें याद है हम एक लिटरेरी फोरम शुरू करना चाहते थे जिसमें लेखकों और कवियों को बुलाया जाए और उनकी राइटिंग्स पर चर्चा की जाए? हाँ, but we can start it now also. It's never too late. इस वक्त हमारे पास गाइडेंस के लिए एक सही आदमी मौजूद है, एक उदयमान कवि और लेखक। ऐसा कौन है? शैलेन मुखर्जी। तो आप ही शैलेन मुखर्जी हैं? मैंने सिर्फ आपकी कविताएं ही नहीं, गंगा में आपका आर्टिकल भी पढ़ा है, बहुत अच्छा लेख है। जी शुक्रिया। निशित, what do you think about it? ठीक है, it's all right. No, I think it's very good. शैलेन जी, आपकी आने वाली कोई कविता? जी, आज दोपहर में ही कुछ पंक्तियाँ। शैलेन, बहुत टाइम नहीं हो गया? ये तरु की ट्यूशन का वक्त है, ये सब बातें तो बाद में भी डिस्कस होती रहेंगी, आप पहले अपनी ड्यूटी कीजिए। जी, माफी चाहता हूँ। शैलेन, लगता है तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। नई जगह जाकर वहां से मुझे चिट्ठी तो लिखी लेकिन अपना पता ही लिखना भूल गया। दो चिट्ठियां तुझे पहले भी पुराने पते पर डाल चुका हूं, ये भी नहीं मिली तो चिट्ठी लिखना बंद। मुझे अनिल के पास जाना ही चाहिए। मास्टर बाबू, दीदी मोनी ने चिट्ठी भेजा है आपके लिए। मास्टर साहब, याद रहे शर्मा से मेरे भाई की सगाई हो चुकी है। क्या हो गया, क्या उल्टा सीधा सोच रही हो? मास्टर बाबू, आप क्या? दीदी ने चिट्ठी वापस मंगाया है, अगर आपने और रहने दीजिए। आइए, कहिए। चिट्ठी में जिस बात का इशारा है, क्या आप सचमुच उस पर विश्वास करती हैं? नहीं नहीं, वो तो मैंने एक लड़की के साथ जेंटलमैनली बिहेवियर का आपने ये मतलब निकाल लिया कि मैं उसे? विश्वास करो शैलेन, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं किस रॉ में आकर मैंने वो सब लिख दिया। जानकर खुशी हुई मीरा जी, बहुत दिन हो गए यहाँ जॉब करते करते, मैं अब जाना चाहूंगा। मैं अपनी गलती मान रही हूँ, अब भी जाएंगे? हाँ, मैं फिर भी जाऊंगा। शैलेन जी, कहिए। मैंने तुमसे पार्टी में मिसबिहेव किया,
और फिर ये चिट्ठी। तुम चले गए तो जिंदगी भर ये बातें मेरे दिल में कसकती रहेंगी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें तकलीफ देकर नहीं जाऊंगा, मेरा यकीन करो। मुझे सब पता है बेटा, उस दिन मीरा ने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया उसे कोई भी गैरतमंद इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लेकिन इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मैं एक राजघराने की बेटी हूं, मुझे कभी भी इसका अवमान नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे मीरा में वही शाही खून कभी कभी जोर मारने लगता है। अचानक ही मेरे पूर्वज राजा महाराजा आकर उसका दिमाग खराब कर देते हैं। उसे माफ कर दो बेटा। ऐसा मत कहिए, मीरा जी ने मेरे साथ ऐसी कोई ज्यादती नहीं की और ना ही मैं नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे कुछ दिनों की छुट्टी मांगने आया हूँ। घर जाना चाहते हो? घर तो बहुत दूर है, मेरा एक बचपन का दोस्त है श्री रामपुर के पास, उसी से मिलने जा रहा हूँ। जाओ, जरूर जाओ। आप यहाँ हैं? मैंने राजू को भेजा था आपको देखने के लिए, उसने बताया आप कमरे में नहीं हैं। अंदर बहुत घुटन सी हो रही थी, मैंने सोचा कुछ देर यहाँ खुली हवा में खड़ा हो जाता हूँ। कल शाम को तो आप कह रहे थे कि अभी रुकेंगे, फिर अचानक इरादा कैसे बदल लिया? छोड़ के जाने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ मीरा जी, फिर बस कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांग रहा हूँ। अपने घर जाएंगे? जी नहीं, घर तो मेरा पश्चिम में है, इतनी दूर आना जाना इतनी जल्दी संभव नहीं है। यहाँ श्रीरामपुर में मेरा एक दोस्त रहता है, उसी के पास जाना है। उसका लेटर आया है, उसके घर में कोई बीमार है। लेकिन आपने माँ से तो कहा कि आपने मुझसे छुट्टी की इजाजत ले ली है। जी, उस वक्त कुछ और सूझा नहीं। कितने दिन के लिए जाएंगे? बस एक आध हफ्ते के लिए, तरु का नुकसान होगा। हाँ? नहीं नहीं, नुकसान कैसा, बस मैं तो उम्मीद करती हूँ कि एक और ट्यूटर के लिए अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं देना पड़े। आपने इस तरह कैसे सोच लिया मीरा जी? फुर्सत कैसे मिल गई? भाभी तुम्हारा हुक्म हुआ, समय भागा चला आया। अब रहने भी दीजिए। अच्छा आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। भाभी ये अनिल कब तक आ जाता है ऑफिस से? बस आते ही होंगे, उन्हें जरा भी पता होता है कि आप आने वाले हैं तो वो आज दफ्तर बिल्कुल नहीं जाते। अच्छा। लीजिए। अच्छा, ये बताइए देवर जी, अपने शादी का कुछ ठीक ठाक किया या नहीं, कोई लड़की वगैरह देखी या नहीं? क्या भाभी, जब होनी होगी तब हो जाएगी। अरे भाई कौन उधम मचा रहा है ये,
अरे चलिए तू। ओ मेरे यार, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू सुना? बस ठीक। मैंने सोचा था बैरिस्टर साहब की कोठी पर जाकर खूब दम मचाऊंगा, लेकिन बच्चू तेरी किस्मत अच्छी है कि तू पहले ही चला आया। भाभी जल्दी से नाश्ता पानी करा दो, नहीं तो तुम्हारा पति मेरा पेट गालियों से ही भर देगा। भाभी लाई देवर जी। तरु का एक बड़ा भाई है जो विदेश में रहता है, और एक बड़ी बहन है मीरा। कुंवारी है? तुझे कैसे मालूम? अरे भाई, हमारे दोस्त के जीने मरने का सवाल है, इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूँ। सच बताऊं अनिल, मीरा और मेरे बीच एक अजीब सा रिश्ता है। कभी लगता है कि वो मुझे पसंद करती है, कभी लगता है कि अपनी क्लास का ना पाकर मुझसे नफरत करती है। कुछ समझ में नहीं आता। और तू? तू तो चाहता है ना उसे? पता नहीं, पर उसके लेवल तक उठना जरूर चाहता हूं। क्या गोलमोल बातें कर रहा है, साफ साफ बोल यार। कुछ समझ में नहीं आता, बहुत उलझन है। क्या कह रहा है तू? कल सौदामी नहीं आई थी, मुझसे क्यों नहीं मिली? तू सो रहा था, बाहर से ही जाकर चली गई। और वैसे भी मिलकर कहती क्या? यही कि मेरी शादी 70 साल के बूढ़े से हो गई। क्या? साधु के पति की उम्र 70 साल है? एक दो बरस ज्यादा ही होगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? किसने किया ये बेमेल रिश्ता? भागवत हल्लार ने। जब तक सद्दू की दादी जिंदा रहीं, उसे पैसे उधार लेती रहीं, लेकिन उधार चुकाने का वक्त कभी नहीं आया। और दादी चल बसी, फिर क्या था, भागवत हल्लार सद्दू का गार्जियन बन गया। आजकल अपने बीमार पति का इलाज कराने के लिए यहां आई हुई है। ये क्या हो गया? हमारी बचपन की साथी के साथ किस्मत ने ये कैसा खेल खेला? पता है दादी माँ क्या कहती हैं? कहती हैं तेरी पढ़ाई छुड़वाकर अब तेरा ब्याह कर दूं। क्या तू कर लेगी ब्याह? करना ही पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा, पर सदू जैसी तरह दूल्हा आएगा ना, हम उसको पकड़कर नदी में डुबो देंगे, है ना अरिल? ओ माँ, फिर मेरा दूसरा दूल्हा कहाँ से मिलेगा? हाँ ये तो है। चल सदू, मैं तेरे से ब्याह कर लूंगा। चलू, तू करेगा तो मैं भी करूँगा। एक लड़की से दो लड़के ब्याह करोगे, बुद्धू कहेंगे। शैलेन, क्या सोचने लगा तू? कुछ नहीं, एक बार सदू से मिलना चाहेगा, उसके बूढ़े बीमार पति को भी देख लेना। उस सबसे अब क्या होगा? मुन्ना चलो तालाब की ओर चलते हैं। बेटा आज तुम्हें हम मेंढक दिखाएंगे, मेंढक पकड़ेंगे भी। तुमने कभी छुआ है मेंढक को? शैलेन दादा, मेंढक तो काट खाएगा। शैलेन दादा देखो सद्दू मौसी। सौदामिनी, मैं तुमसे मिलने गई थी, पर तुमसे बिना मिले वापस चली आई। अनिल से तुम्हारा हाल मालूम हुआ? उसने जरूर कुछ अंट-शंट कहा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सदू, सुना है तुम्हारे पति बीमार हैं? हाँ, बुढ़ापे की बीमारी है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इलाज कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं आऊंगा उन्हें देखने। नहीं नहीं शैलेन, तुम मत आना। क्यों? भागवत काका को तुम नहीं जानते, मुझ पर बहुत निगरानी रखते हैं। उन्होंने अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अच्छा शैलेन, अब मैं चलती हूँ, अगर जरा सी भी देरी हो गई तो वो यहीं पर आ थमकेंगे। अच्छा
कि हम जल्दी आ जाएंगे, फिर अपने प्यारे देवर को बैठाकर आराम से इसकी आदत डालना। आप भी बस, जो मुंह में आया बोलते ही चले जाते हैं। अरे आप, तरु कैसे हो? ये मेरा दोस्त अनिल। भाभी जी नमस्ते। भाभी ये मेरा है। आप लोगों को यहाँ आकर डिस्टर्ब कर दिया ना? नहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया, हाँ थोड़ा ताज्जुब जरूर हुआ। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। रुकिए रुकिए, आप तो यही चाहती हैं ना कि हम जल्दी से चाय पिए और यहाँ से खिसक जाएं। अब तो तभी चाय बनाऊंगी जब आप खुद कहेंगी, पहले नहीं। अच्छा चलो हम लोग अंदर चलते हैं। हाय राम, इतनी छोटी बच्ची मेमो के स्कूल में पढ़ती है, मैं छोटी थोड़ी हूँ। अच्छा मीरा तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। और अब चाय ही नहीं साथ में पकोड़े भी खिलाऊंगी, वो भी गरम गरम। चाय के साथ पकोड़े अच्छे लगते हैं ना? अच्छे तो लगते हैं, लेकिन पकोड़े मैं बनाऊंगी, आप तो बस मुझसे बात ही करते रहिए। ऐसा भी कहीं होता है? होता है। और अब पकौड़े ही नहीं चाय भी मैं ही बनाऊंगी। एक दिन खराब चाय पी लीजिए ना। चलो। मीरा के चेहरे पर ये खुशी देख रहा है, वो इसलिए है कि उसने यहाँ किसी को पा लिया है। किसे? अरे बुद्धू तुझे। तभी तो उसे यहाँ की हर चीज अच्छी लग रही है। सच बात ये है कि उसे तुझ पर शक हो गया था, और सुन उसे लगा कि तू यहाँ का बहाना करके कहीं नौकरी छोड़ के ना चला जाए, लेकिन तुझे यहाँ देखकर उसका शक दूर हो गया, तभी तो इतनी खुश नजर आ रही है। तेरी बात का क्या मतलब लगाऊं, समझ नहीं पा रहा। आई टेल यू निशित, मिसेस राय की प्रॉब्लम शरीर की नहीं बल्कि मन की। तुमने देखा नहीं, कहीं कमरे से बाहर नहीं आती जाती, किसी से मिलती जुलती नहीं है, सारा दिन बेटे की तस्वीर के सामने बैठी रहती है। अब इस हालत में कैसे ठीक रह सकती हो? बट मिस्टर राय, मुझे लगता है वो सुनील को बहुत मिस करती है। मां है ना, लेकिन वो ये नहीं समझती कि सुनील को अब हमसे कोई लगाव नहीं रहा, उसे लगाव है तो सिर्फ पैसे से। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि मिसेस राय को चेंज ऑफ प्लेस की जरूरत है ताकि उनका ध्यान बढ़ सके। उन्हें कुछ दिनों के लिए इस बंगले से ही नहीं बल्कि शहर से भी बाहर जाने की जरूरत है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारा रांची में बंगला बिल्कुल खाली है, हर जगह से खुला हुआ भी है, थोड़ी दूर पे पहाड़ भी हैं। आई थिंक उन्हें उधर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर द ग्रेशियस ऑफर, मैं इस बारे में सोचूंगा। देखिए सर, सोचने में टाइम लगता है, आप इसको अभी फाइनल कीजिए। मेरे बेटे तुम्हें तो पता ही है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ को बाहर ले जाना चाहिए। तू निशीत का रांची में बंगला खाली है, तुम लोग वहां क्यों नहीं चले जाओ? बे मैं तो जा नहीं पाऊंगा ना, तुम्हें जाना पड़ेगा अपनी माँ के साथ। मैं जाऊंगी पापा। गुड गर्ल। मैंने रांची जाने के लिए हाँ कर दी। निशित का एहसान लेना मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर भी मना नहीं कर सकी। माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ शैलेन। तरु भी साथ जा रही है? हाँ, हमने बहुत मना किया लेकिन वो मानी नहीं। शैलेन, कुछ दिनों के लिए तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे, अपना वक्त कैसे बिताओगे? कुछ देर एमए की पढ़ाई करूंगा और कुछ वक्त तुम्हारे पापा के साथ बातें करने में गुजारूंगा। और बाकी वक्त में? तरु को याद करूंगा। सिर्फ तरु को? मीरा, मेरे
मुझे बोटिंग करनी है। चलो बेटा। रांची आने का फायदा नजर आ रहा है। माँ की तबीयत काफी ठीक हो गई, खूब घूमती फिरती हैं। तरु भी यहाँ आकर बहुत खुश है। लेकिन मैं पिछले 2-3 दिनों से कुछ परेशान हूँ। वजह जानना चाहते हो? अचानक ही निशित साहब का यहाँ आने का मूड बन गया। कहते हैं कुछ शैलेन, मेरे ख्याल से तुम एमए करके अब्रॉड चले जाओ, वहां किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। बड़ी उसे जी, मैंने अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, पहले एमए पूरी कर लूं। शैलेन, एमए करने का कोई फायदा तो है नहीं। फिर भी थिंक अबाउट इट। भाई तरु के बारे में तो मेरा यही प्लान है। हाँ याद आया, मिसेस राय की चिट्ठी आई थी, वो कह रही है कि तरु की पढ़ाई का बहुत हर्जा हो रहा है, उसे वापस बुला ले। शैलेन, क्या तुम उसे लेने जा सकते हो? ये जगह देखने लायक है, 2-4 दिनों के लिए आ जाओ ना। आई मीन इफ यू कैन स्पेयर सम टाइम। श्योर श्योर, मैं कल ही चला जाता हूँ। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन शैलेन साहब ने आज कम खाना खाया, शायद इनको खाना पसंद में नहीं आया। कैसी बात करते हैं, खाना तो बहुत अच्छा बना था। मिस्टर मिसेज राय और तरु तो आपकी काफी तारीफ करते हैं, और ये मीरा भी, ये आप ही के साथ एमए कर रही है ना? निशित, मैं तुम्हें बता तो चुकी हूँ, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? इजी इजी, वो क्या है मीरा, सुंदर लड़की की हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा जिस आदमी की इतने सारे लोग तारीफ करते हैं, तो क्यों ना उनके ऑनर में एक बढ़िया सा डिनर होस्ट किया जाए। सम्मान कुछ ज्यादा हो गया मिस्टर निशित। नो नॉट एट ऑल, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है। अंकल, ये मिस्टर शैलेंद्र नाथ, तरु के ट्यूटर। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम देखे ना, इतने दिनों से मैं आपको तरु की मास्टरी करते हुए देख रहा हूँ, मैं फिर भी आपका पूरा नाम नहीं जान पाया। मुखर्जी। अरे हाँ, शैलेंद्र नाथ मुखर्जी। अंकल, ये बहुत अच्छे मास्टर हैं। सुना तो है। मास्टर तो ये अच्छे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कोई क्वालिफिकेशन है इनकी? और क्वालिफिकेशन तो आपको मीरा ही बता सकती है। क्यों मीरा? मास्टरी करता हूँ, इससे ज्यादा क्वालिफिकेशंस और क्या चाहिए कि मिस्टर राय और मिसेज राय दोनों मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं एक सीधा साधा मास्टर हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। क्यों नहीं, क्यों नहीं,
लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्यों हो जाए। मीरा जी, सुबह तरु को जल्दी तैयार कर दीजिएगा, मैं कल ही वापस जा रहा हूं। चले, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है, ड्राइवर को सब कुछ समझा भी दिया है और तरु का खाना भी रख दिया है। तरु, मास्टर साहब को तंग मत करना। मैं तंग कहाँ करती हूँ। अच्छा जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो। शैलेन, कल तुमने बिल्कुल ठीक किया, निश्चित इसी जवाब के लायक है। और करता भी क्या, उम्मीद थी कि मेरी ओर से कोई जरूर बोलेगा, आखिर खुद ही अपनी हिफाजत करनी पड़ी। थैंक यू शैलेन। शैलेन, कुछ दिन पहले सिद्धू का पति चल बसा, ये खबर तुझे पहले ना दे सका, बताकर होता भी क्या, शायद अब भी नहीं लिखता। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी घटना हो गई, सद्दू ने आत्महत्या करने की कोशिश की। किसी तरह उसे बचा लिया गया, लेकिन उसकी परेशानी अब और भी बढ़ गई है। मौत से तो बच गई, पर भगवत हलदार से उसे कौन बचाएगा, वो तो गिद्ध की तरह सत्तू की खाल नोचने को तैयार बैठा है। एक बार सोचा सत्तू को अपने घर ले आऊं, पर उससे भी समस्या हल नहीं होगी। शैलू, क्या तू उसे बचा सकता है? मीरा के प्रेम पर तुझे अभी तक भरोसा नहीं है, पर सत्तू बचपन से तुझे प्यार करती है, इस सच को मैं शुरू से जानता हूं। क्या तू उसे अपनाएगा? तेरा अनिल। अच्छा सदू, अनिल के घर में रहने में क्या बुराई है? उसके बीवी बेटा सभी तो तुम्हें अपना मानते हैं। अपना मानते हैं इसीलिए उनका सर्वनाश कर दूं, उनके घर में जाकर उनका घर बिगाड़ दूं? अनिल को मुझसे हमदर्दी है, उसका ये बदला दूं मैं उसे? नहीं शैलू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर भाग्य में जो होगा हंसकर सह लूंगी, इसके अलावा और चारा ही क्या है। एक रास्ता तो है। क्या? तुम मेरे साथ मुझे बचाना चाहते हो, जैसे बचपन में एक बार मुझे चट्टान से गिरने से बचाया था? सदू, मैं बकायदा तुमसे शादी करूंगा, बोलो तुम तैयार हो? सोच लो, मैं जल्दी ही जवाब के लिए दोबारा से आऊंगा। जरा मेरे साथ घूमने चल सकते हो? मैं नहीं जा सकूंगा। अगर मैं कहूं तो तुम्हें चलना होगा, ये मेरा ऑर्डर है। प्लीज चलो ना शैलेन।
जानते हो आज निशित मुझसे मिलने आया था। मैंने सरदर्द का बहाना करके उसे टाल दिया। रांची से तुम्हारे आने के तीसरे दिन ही मैं भी वहां से आ गई। पूछोगे नहीं क्यों? शैलेन कुछ तो जवाब दो। तुम तो कह रही थी कहीं दूर घूमने चलेंगे, फिर वही पुरानी जगह पर क्यों ले आई मुझे? चलो वापस चलते हैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ आओ शैलेन, आओ बैठो। अरे सुना है तुम घर जाना चाहते हो? ये अचानक कैसे बन गया पूरा? घर से टेलीग्राम आया है। टेलीग्राम? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तुम परसों तक तो रुक ही सकते हो। कोई खास वजह? ऑफ कोर्स, कल मीरा और निशित की एंगेजमेंट है भाई, और इसी खुशी में हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। मैं चाहता था कि तुम इस पार्टी में जरूर शामिल हो। मैं माफी चाहूंगा, मैं आज रात की गाड़ी से ही निकलना चाहता हूं। ओके, एज यू विश यंग मैन। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। मीरा, तुमने ठीक डिसीजन लिया। मीरा, निशित हर तरह से तुम्हारे लायक है। मैं शायद तुम्हें सुखी नहीं रख पाता। मैं एक कमजोर इंसान हूं, कभी कुछ तय नहीं कर पाया। तुमने ठीक ही किया मीरा। मत कहो ऐसा शैलेन, मैं शायद खुद को तुम्हारे सामने ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना शैलेन? बाहर से जिसे देखा, क्या वही मेरा सच थी? क्या मैं तुमसे इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी? तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं शैलेन? बोलो। लेती शैलेन, अगर मुझे अनिल से यह ना पता चलता कि तुम किसी और से प्यार करते हो। सदु, वो तुम पर मीरा का हक है शैलेन, और मेरा हाथ तो तुम मुझ पर दया करके थामना चाहते थे ना, और दया कभी प्यार नहीं बन सकती। ये बात नहीं है सदु। परेशान मत हो शैलेन, तुम मुझे बचाना चाहते थे ना, मैंने उसका रास्ता खुद ही ढूंढ लिया है। एक फिल्म एक्ट्रेस बनकर, मरती हुई सौदामिनी एक फिल्म स्टार बनकर फिर से जी उठेगी। भागवत हालदार भी यहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। मैडम, आपका शॉर्ट रेडी। ओके, अच्छा शैलेन, अब मैं चलती हूं। Thank you.
मीरा, ये अंगूठी मैं जरूर पहनूंगा। इस नीलम की तरह एक दिन मैंने तुम्हारा घृणा भरा प्यार देखा था, इसी की तरह जहर वाला, पर इसी की तरह एकदम खरा।